आदिवासी भाई हमारे थोड़े कमजोर पड़ते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, गरीबी अवस्था है। अब इसलिए लोग बड़े लोग जो है कि सोचते हैं कि भाई इन लोगों का जगह जमीन जो है हड़प लिया जाए, इनको आगे बढ़ने ना दिया जाए, इनको पढ़ने ना दिया जाए, ये बढ़ जाएंगे तो हमारे बराबरी करेंगे और अगर हम चाह देंगे तो सब कुछ करवा सकते हैं। हम बिहार के कट्टर आदिवासी हैं, जिला छपरा से बिलोंग करते हैं। स्वागत है आपका जनहित आवाज में, मैं हूँ आपके साथ पूजा। और आज यहाँ आदिवासी लोग जो है एकत्रित हुए और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं कि कार्तिक भील को न्याय दो, तो उसके लिए यहाँ बहुजन सचेतन मंच जो है यहाँ पे लगाया गया और यहाँ पर जो है तमाम लोग यहाँ एकत्रित हुए। तो सर क्या नाम है सबसे पहले ये बताओ और कहाँ से? मेरा नाम वकील शाह है, मैं बिहार से हूँ, आदिवासी समाज से हूँ। और जो ये घटना घटी है राजस्थान के अंदर भील जाति के, उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। उस न्याय के लिए इस मंच को बनाया गया है। इस मंच से ये आदेश दिया है राजस्थान सरकार को कि ये न्याय अगर यदि नहीं मिलेगा तो फिर आगे की जो कार्रवाई जो समाज है आदिवासी समाज आगे के स्टेप उठाएगी। अच्छा, क्या हुआ है कि न्याय नहीं मिल पा रहा है, ऐसा क्या हुआ है? वहाँ की स्टेट सरकार की, राजस्थान सरकार की कमी है, वो जानबूझकर नहीं चाहती है कि इसको छिपाने की कोशिश की जा रही है कि भाई किसी तरह से हमारे बदनामी सरकार की ना हो, ये कारण है, इसलिए एक्शन नहीं हो रहा है। बस तो अभी ये जो भील मील में जो लोग मारे गए हैं, तो उनकी किसी ने जो है आकर के तफ्तीश की, कोई पुलिस वाले या कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं, है ऐसा नहीं रहा है। वो जमीन से संबंधित मामला है और जबरदस्ती जमीन के वो किया गया है और इसी को लड़के की मर्डर हुई है और मर्डर की वजह से जो है सरकार को कितने एप्लीकेशन, कितने दस्तावेज दिया गया है, लेकिन दस्तावेज का आधार पर कोई अभी कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है कि लगातार राजस्थान से ऐसी खबरें आ रही हैं आदिवासी या दलितों के साथ इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं? अभी लास्ट टाइम जो इतना बड़ा मैटर हुआ था, आपको भी पता होगा, इंद्र मेघवाल का मटका छूने पर जो है उसकी हत्या कर दी जा रही है, तमाम ऐसे और मामले सामने आए हैं, तो लगातार राजस्थान से आ रहे हैं, क्यों हो रहा है? वो स्टेट गवर्नमेंट की अपनी कमजोरी है और राजस्थान सरकार जो अपनी कमजोरी को छिपा रही है, राइट। और इसी की वजह से जो भी आदिवासी है, पिछले तबके के लोग है, जो भी समाज दबके दुबके हैं, तो उनका तो माई वाइफ कोई होता नहीं है। इस मंच के द्वारा वो ये एक्शन उठाया जा रहा है कि ताकि ताकत मिले और ताकत के बल पर उस सरकार से मैंने वो जबरदस्ती कराया जाए कि इसके अंदर न्याय मिले। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश शाह गोंड है। कहाँ से आए? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ मगर रहता हूँ दिल्ली में, नजफगढ़ एरिया में रहता हूँ। आप लोग बिहार से बिलोंग करते हैं लेकिन राजस्थान की घटना है, आप लोग यहाँ? हम आदिवासी के नाम पे आए हैं क्योंकि आदिवासी एक है, कहीं का भी आदिवासी हो, आदिवासी हम एक हैं। और आ गई बात कि हर जगह आदिवासियों के साथ शोषण हो रहा है, दुर्बलता हो रहा है, दुर्घटना हो रहा है, कहीं जमीन हड़पा जा रहा है, कहीं मर्डर किया जा रहा है। तो आदिवासी भाई हमारे थोड़े कमजोर पड़ते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, गरीबी अवस्था है। अब इसलिए लोग बड़े लोग जो है कि सोचते हैं कि भाई इन लोगों का जगह जमीन जो है हड़प लिया जाए, इनको आगे बढ़ने ना दिया जाए, इनको पढ़ने ना दिया जाए, ये बढ़ जाएंगे तो हमारे बराबरी करेंगे। तो ये इन लोगों का गलत सोच है। तो मेरा मकसद यही है कि कार्तिक भील जी को मर्डर हुआ है, इनको हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय सरकार नहीं देती है राजस्थान की, ठीक है, तो हम राजस्थान सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि जो उस थाना प्रभारी को उसको सस्पेंड किया जाए, एडीएम को सस्पेंड किया जाए, डीएम को सस्पेंड किया जाए। जब ऐसी नौबतें आएगी तो भाग के काम करेंगे और न्याय मिल हो पाएगा। आपको लग रहा है कि ऐसा हो पाएगा? अगर हो पाएगा, हमारा आदिवासी समाज अब एकजुट हो चुका है और अगर हम चाह देंगे तो सब कुछ करवा सकते हैं, करवा सकते हैं और करवा के रहेंगे। अच्छा, सत्ता में बैठी सरकार, इसके पास पावर है, इतना कुछ है, पैसा है, आप लोग समझ सकते हैं कि उनकी पावर कितनी है और आप लोग पहले से इतने कम लोग हैं। कुछ भी पावर हो, ठीक है, इतने कम लोग हैं, संख्या ही बहुत लोग थे, इतने लोग कम नहीं है। अभी तो 28 तारीख को हम धरना प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। अभी इस ठंडी में हर आदमी देखो कैसी कैसी महिलाएं जो हैं कि अपना किस हालात में आई हैं, ठीक है। अगर गरीब आदमी है तो अपना भी आदमी कुछ सोचता है ना कि छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, जाने दो, मगर हम छोड़ने वाले में से नहीं है। हम बिहार के कट्टर आदिवासी हैं, जिला छपरा से बिलोंग करते हैं। मतलब धमकी दे रहे हैं? नहीं, धमकी हम नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ हर जगह गलत हो रहा है। गलत क्यों होना चाहिए? हम आदिवासी हैं तो इसका मतलब कि ये है कि
कहीं जमीन हड़प लिया जाए, कहीं किसी को जान से मार दिया जाए, हम धमकी। कौन 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 लोग हैं जो गलत कर रहे हैं आप? अभी पता लग जाएगा, सब कुछ पता लग जाएगा। हम धमकी नहीं दे रहे हैं, हम जो बात है ना सच्चाई बात बोल रहे हैं। हाँ, सच्चाई बात बोल रहे हैं, और हमारी जो भाई बात सुनेगा ना समर्थन करेंगे। समर्थन में आ रहे हैं इतने तो कम जिंदगी में। देखो, माँ बाप ने जन्म देता है, पाल सुनिए मेरी बात सुनिए, पाल पोस के बड़ा करता है। क्या पता उसी इंसान से हमारा आदिवासी भाई का भविष्य बदल जाए। आप हो चाहे हम हो, ठीक है, उसका बाल बच्चा है, उसका बाल बच्चा का कौन देखेगा, उसके माँ बाप को कौन देखेगा। बात कह रहे हैं कि आदिवासी भाई जो है एकत्रित होंगे, समर्थन में आएंगे, लेकिन आपके खुद गुट जो है आधे आधे बटे हुए हैं। अभी यहीं पर ही देख लीजिए, आधे आदिवासी वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, आधे आदिवासी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप में एकता होती तो आप एक साथ करते ना, एकता है आप लोगों में? बिल्कुल है। अब मान लो कि सुबह से धरना प्रदर्शन किए हैं, किसी का भूख लगा तो खाएगा नहीं? खाने की मैं बात नहीं कर रही हूँ, प्रदर्शन और एक खा रहे हूं, जो एकजुट आप नहीं है उसको आप ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि आप लोग बटे हुए खुद खेमे में? नहीं बटे, अभी यहाँ पे हैं तो हम सारे तो बैठे ही हैं, कहाँ कोई भाग रहा है, कोई कहाँ कोई जा रहा है। आप तो ऐसी की बात नहीं कर रहे, आप थोड़ा ऐसी बात कर रही हैं, पता नहीं आपके दिमाग में क्या सोच है। ऐसा मत बोलो कि मेरे दिमाग में सोच है कि कुछ लोग आदिवासी इधर हैं, कुछ लोग, सब हम एक ही जुट हैं, हम सब लोग एक ही जुट हैं। जुट हैं तो फिर क्यों आप लोगों को तोड़ दिया जाता है, बांट दिया जाता है? ऐसा है ना कि हर जाति में हर समाज में तोड़ा जाता है, ठीक है। अपने आप को बड़ा बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आगे चढ़ने के लिए, धनाद होने के लिए आदमी आगे, हर एक आदमी सोचता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अब हम आदिवासी भाई एकजुट हो चुके हैं, ठीक है, अब जागे हैं, अब जागे हैं, बहुत दिन से भी जाग चुके हैं। आदिवासी तो अपने आप को हिंदू समझ रहे हैं ना भैया, बोला जा रहा है कि भैया हिंदू, हम हिंदू नहीं हैं, हम आदिवासी हैं। हाँ, आदि काल से आदिवासी हैं इस धरती पे। हाँ, अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आदिवासी समाज से आती के पुजारी हैं, ठीक है। हमारे जंगल पर्वत पहाड़ पे रहने वाले बाबा भोले शंकर, माँ गौरी, उनके पुजारी हैं। जो माँ गौरी है ना वो आदि है, उनका कई रूप है, कई सौ रूप है, तब से हम आदिवासी हैं, ठीक है। हाँ, तो गौरी शंकर और जब शंकर जी को मानते तो आदिवासी। आप, हर एक बात अगर आपसे बताना चाहूंगा ना तो हमारा आदिवासी उखड़ जाएगा, ठीक है। हाँ, इतना बात है हम। हाँ, तो बोल दीजिए, कोई बात नहीं, बहुत कुछ बातें हैं, मगर अभी तो हम आए हैं न्याय दिलाने के लिए, जो कि हमारे कार्तिक भील जी को न्याय मिल जाए, ठीक है। और किसी भाई के साथ, किसी मतलब कि पूरे भारत स्टेट में आदिवासी के साथ गलत ना हो, हम ये चाहते हैं। अच्छा, अभी आपने कहा गौरी शंकर और इनके आदि काल से जो है हम पूजा करते आ रहे हैं, तो फिर क्यों परेशान होते हैं देवी देवताओं के नाम जब लिए जाते हैं? हम परेशान नहीं होते हैं, हमारा चीज छीन लिया गया है, ठीक है। आपके भगवान छीन लिए गए हैं? हाँ, वो लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे हैं, भगवानों की पूजा करते हैं, प्रकृति के पुजारी हैं। हाँ, तो मगर अभी गौरी शंकर और गौरी पार्वती की आप बहुत कहानी है, कहानी विस्तार से बताऊंगा तो आप बहुत समय लग जाएगा। अच्छा, इतिहास के आप लग रहे हैं बहुत मजे हुए इतिहासकार हैं। हाँ, इतिहासकार हैं, इतिहास जानते हैं तो बता दीजिए। हाँ, बहुत कुछ ऐसी बातें हैं, ठीक है, बहुत कुछ ऐसी बातें हैं। और अभी हम आए हैं कार्तिक भील जी को न्याय दिलाने के लिए, और न्याय दिला के रहेंगे। न्याय मिलेगा? हाँ, मिलेगा, न्याय मिलेगा। ऐसे अलग अलग खेमे में आप बटे हैं, मिलेगा? हाँ, मिलेगा, खेमे की बात नहीं है। आप यहाँ मत तोड़ो हमारे को कि खेमे तोड़ रही हूँ। हाँ, आप ये मत बोलो, वोट जब देने जाते हैं तो आप खुद बट जाते हैं और मुझे कह रहे हैं कि मैं तोड़ रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसा है, देखिए आज के डेट में आदमी पैसे पे बिक जाता है। क्या आप जिस जाति से बिलोंग करती हैं, जहाँ से आप बिलोंग करती हैं, ठीक है, तो हर एक आदमी का मुद्दा होता है कि हमारा ये पार्टी, हमारा वो पार्टी, हमारा ये पार्टी है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये राजनीतिक में चलता है, ठीक है, मगर किसी का जान ले लेना, किसी का मर्डर कर देना, ये बहुत गलत बात है। अब आप हो, मैं हूँ, किसी भाई को मर्डर कर दिया जाए, ठीक है, उसका माँ बाप को कौन देखेगा, उसके गार्जियन को कौन देखेगा? आप देख सकती हैं, मैं देख सकता हूँ, कितना उस पर आपता बिपता दुखता पड़ेगा। आज इतनी महंगाई है, ठीक है, हर जगह आदमी हर जगह दुखी है, जो जहाँ है वहाँ दुखी है। सरकारें तो राशि एक जो है बांध देती है ना कि भैया इतनी राशि उस परिवार को दी जा रही है, पीड़ित परिवार। ऐसा कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है, राशि बांध दिया जाता है, हर जगह आदमी
जो राशन कार्ड पे राशन मिलता है तो क्या बांध दिया जाता है, कोई देने वाला है आज के डेट में? जो सरकार तो बोलती है और देती भी है, सरकारी योजना है उसके तहत मिलता है, उसके मिलने के बाद भी कुछ मिलता है, कुछ आदमी खा जाता है, तो उस मुद्दे पर आप मत जाओ। हम यहाँ पे कार्तिक खा जाते हैं, कर्मचारी लोग खा जाते हैं, ठीक है, एक से एक बैठे हैं। हाँ चलिए, तो यहाँ तमाम आदिवासी लोग एकत्रित हुए हैं। क्या नाम है बाबा? आप इतनी देर से देख रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन बच के निकल रहे हैं। तो यहाँ तमाम जो आदिवासी लोग हैं एकत्रित हुए हैं भाई, जो आदिवासियों के साथ लगातार होता आया है, जो उनके साथ हमेशा से हक अधिकार उनके छीने गए हैं, उसी के लिए यहाँ पर ये आज एकत्रित हुए हैं। राजस्थान से आए हैं, कार्तिक भील को न्याय दिलाने के लिए इनकी मांग है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि द्रौपदी मुर्मू भी आदिवासी समाज से आती हैं, क्या ये आदिवासी लोग जो आज यहाँ न्याय के लिए आए हैं, क्यों इन्हें यहाँ पर आना पड़ा, क्यों इनकी आवाजें नहीं सुन पाती है सरकार, क्यों द्रौपदी मुर्मू जी अभी चुप्पी लगा के बैठी हुई है, क्यों उनको ये समाज की दुविधा और जो विपदा इनके ऊपर आती है नहीं दिखती है। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज, मेरे सहयोगी राहुल के साथ में पूजा, संसद मार्ग, दिल्ली।